हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो, या फिर कुछ टर्म्स जो कि अकाउंट्स में बहुत रेलेवेंट होती हैं और बच्चों को पता नहीं होता उनका असली मीनिंग, मतलब कि क्या उनका मीनिंग होता है बच्चों को पता नहीं होता, वो दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो रिवेन्यू क्या है हमारे लिए, रिवेन्यू क्या होती है, रिवेन्यू होती है हमारे लिए, रिवेन्यू होती है अर्निंग। सिंपल बोलूँ तो जो भी हमने अर्निंग करी है, ठीक है, व्हाट वी हैव अर्नड इन आवर बिजनेस इज नोन एज रिवेन्यू। तो जो हमने अर्न करी है, अर्निंग मतलब कि मैं बोलूँ जिस पे मेरा राइट है, हक है, ठीक है, जिस चीज पे मेरा राइट है, हक है, मतलब कि जैसे मैंने कोई काम करा और उस काम के बदले मैंने पैसा लेना है, ठीक है, वो मेरे लिए इनकम बन गई। जो पैसा लेना है, मैंने काम करा, मेरे पास जो पैसा लेना है, तो अब मेरे पास राइट है, वो पैसा लेने का हक है कि हाँ मैं वो पैसा ले सकता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये रिवेन्यू कहलाता है। रिवेन्यू क्या है आपके लिए, अर्निंग। आपने कोई काम करा, उसके बदले आपने कुछ कंसिडरेशन मतलब रिसीव होगा, तो वो आपके रिवेन्यू के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे, हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक सपोज करो मेरे पास कोई बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, वो बोलता है मुझे कि सर, जिम स्टूडेंट है सर, ये अकाउंट्स की फीस है आपको मैं दे रहा हूँ ₹18,000, ठीक है, ₹18,000 उन्होंने मेरे को दे दिए, और ये जो है वो कह रहा है कि मैं आपसे 3 मंथ्स ही पढ़ूंगा, आप 3 मंथ्स में मेरा कोर्स करा देना। तो मैंने कहा ठीक है, 3 मंथ्स में कोर्स हो जाएगा बेटा। तो अब अकाउंट्स की फीस उसने मेरे को 18,000 दे दी और मैंने उसको कहा 3 मंथ्स में आपका कोर्स हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं 1 मंथ की फीस कितनी होगी, 1 मंथ की फीस होगी सिंपल बोला जाए तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6, वो सॉरी 3, तो आ जाएगा 6,000, मतलब 6,000 फीस होगी। फीस क्या होगी 1 मंथ की, 6,000, ठीक है, ये सिंपली समझ आ रहा है। अब वो सपोज करो वो मेरे पास आया था 1 मार्च को, ठीक है, तो 1 मार्च को वो मेरे पास आया, तो मैंने सपोज करो वो मेरे पास आया 1 मार्च को और उसने मुझे कहा कि हाँ भैया 1 मार्च को मैं आया हूँ और 3 महीने की फीस लगा लो, तो मार्च 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ हो गया, फिर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, फिर उसके बाद आगे मई वाला महीना, ये 3 महीने वो पड़ेगा, अप्रैल का और मई का, और ठीक है मार्च अप्रैल मई 3 महीने पड़ेगा वो। तो वो 3 महीने उसने क्या करा, मेरे से 1 मार्च से 31 मार्च तक पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ाया, मैंने उसको समझाया अच्छे से, वो समझा और उसने पढ़ लिया, और उसने मेरे को फीस दे दी है ₹18,000। उसने मेरे को फीस ₹18,000 डिपॉजिट कर दिया, ये मेरे पास डिपॉजिट कर दिया उसने। तो ये मेरे लिए, मैं क्या इसको रिवेन्यू मान लूँ, नहीं, जो मैंने अर्न करा है मैं उतने पार्ट को ही रिवेन्यू मानूंगा। तो मैंने 1 मार्च से 31 मार्च तक उसको पढ़ा चुका हूँ, 1 महीना हो गया, तो 1 मंथ की फीस मेरे लिए अर्निंग कहलाएंगी, और बाकी जो बचा उसको मैं एडवांस पेड कहलाऊंगा, ठीक है, एडवांस पेड या एडवांस पेमेंट, ठीक है, एडवांस पेमेंट, ठीक है, एडवांस पेमेंट है उसकी, ठीक है, एक तरह से उसने मेरे को एडवांस पेमेंट करी, एडवांस में मेरे को रिसीव्ड हो गया है, मेरे को क्या हुआ, एडवांस में रिसीव्ड हो गया है, ठीक है, एडवांस में रिसीव्ड हो गया, उसने मेरे को एडवांस पेमेंट कर दिया। तो ये जो 2 महीने, सपोज करो कि 31 मार्च को उसका मेरे पास फोन आता है, वो कहता है भैया भैया मेरे को क्या कहते हैं, मेरा जो है मम्मी, मेरी जो फैमिली है पूरी शिफ्ट हो रही है, पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है दिल्ली में, तो मैं आपको अब पढ़ा नहीं सकता, तो आपके साथ मैं पढ़ नहीं सकता, तो आपकी जो फीस मतलब जो बची है मेरे को उसको रिफंड करनी पड़ेगी, अब जो फीस बची है उसकी। तो इसलिए अगर मैं उसको अर्निंग मान लेता, अगर मैं सपोज करो रिवेन्यू को अर्निंग मान लेता, तो मेरे को फिर ये होता कि मैंने तो इनकम कमा ली है, इनकम जनरेट कर लिया। होप सो आपको समझ आया होगा। तो जितना पार्ट हमने मतलब कि लिए सर्विस प्रोवाइड कर दी, कंसिडरेशन दे दिया, उतने पार्ट को हम अर्निंग मान सकते हैं, बाकी पार्ट क्या कहलाया जाएगा, हमारे पास एडवांस रिसीव, ठीक है, उसने मेरे को एडवांस में पे करा है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ₹6,000 में लिए अर्निंग था, और बाकी जो 2 मंथ रह गए थे उसकी, ठीक है, तो वो ₹12,000 क्या हो गया, एडवांस में रिसीव हो गया, एक तरह से मैं उसको रिफंड भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे रेवेन्यू, रेवेन्यू को मैं और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँ तो रेवेन्यू क्या है, अगर गुड्स की टर्म्स में बात करें तो रेवेन्यू क्या हमारे लिए, सेल, जो भी हम सेल करते हैं वो हमारे लिए रेवेन्यू, ठीक है। सर्विस के टर्म्स में बात करें तो सर्विस जब जो हम रेंडर करते हैं, ठीक है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस सुना होगा, रेंडर, ठीक है, रेंडर, और अदर्स
रेवेन्यू के नाम्स में क्या क्या आते हैं, रेंटल इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, ठीक है, शेयर डिविडेंड हो गया, या फिर आपकी आपकी क्या कहते हैं, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल गया, एफडी कराते हैं बैंक में, उस पर इंटरेस्ट मिल गया, वो भी हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू, एक तरह से इनकम का सोर्स है, बिजनेस के पैसे से हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो वो रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ के लिए सेल्स वर्ड यूज क्यों करते हैं, सर्विसेज के लिए रेंडर वर्ड यूज क्यों करते हैं, ये भी बात आती है। तो कुछ के लिए सेल्स वर्ड इसलिए यूज करते हैं, यहाँ पे हम ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, सर्विस के टाइम हम कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, बस नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो नॉर्मल टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूँ, कुछ ये कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, तो कैलकुलेटर बेच रहा हूँ तो उस केस में मैं आपको क्या कहते हैं, गुड्स दे रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो अब इस कैलकुलेटर की ओनरशिप आपके पास चली जाएगी, ठीक है। तो वो सेल्स कहलाता है इनकम, उस केस में गुड्स के केस में इनकम सेल्स है, सर्विस केस में रेंडरिंग कर रहे हैं, रेंडर जो कर रहे हैं वो हमारे लिए, मतलब सिंपल सर्विस जो रेंडर कर रहे हैं वो हमारे लिए रेवेन्यू, मतलब एक तरह से, ठीक है, तो वो हमारे लिए इनकम है। तो होप्स आपको रेवेन्यू समझ आया होगा अच्छे से। अब मैं मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ, अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंस की। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस सिंपली बोलूँ या तो हमने पे कर दिया होगा और विल बी पेबल, मतलब कि या फिर हमने पे करना है, ठीक है, या फिर पे कि हम पे करेंगे, सिंपल बोलूँ तो हमें जो पे करना है, ठीक है। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस के लिए डेफिनेशन सिंपल बोली गई है, एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस वर्सेस एसेट्स की बात करूँ तो एक्सपेंसेस और एसेट्स में डिफरेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस और एसेट्स में डिफरेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या है मेरे लिए, सिंपल आपकी बात करूँ, जो उनका बेनिफिट, जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर में मिल जाएगा, ठीक है, मैंने कोई चीज कॉस्ट कोई खर्चा करा और जिसका बेनिफिट मेरे को 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, विद इन 1 ईयर याद रखना, विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, तो उस केस में मैं इसको बोलूंगा मेरा खर्चा है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि हमारे ऑफिस में एक स्टाफ आता है, उस स्टाफ की हम सैलरी पे करते हैं, उस स्टाफ को हम सैलरी पे करते हैं, क्या उसका बेनिफिट हम इस साल नहीं ले लेते, हाँ इस साल ले लेते हैं एग्जाम्पल, और लेकिन एसेट्स के केस में ऐसा नहीं होता, उसका जो बेनिफिट है फ्यूचर में जाता है, मोर देन 1 ईयर जाता है, मोर देन 1 ईयर बोल सकते हैं, मतलब बेनिफिट 1 साल से ऊपर जाता है, तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है एसेट्स के लिए वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, और जो एक्सपेंस के लिए बेनिफिट होता है वो प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, मतलब इसी साल हम उसका बेनिफिट उठा लेंगे। जैसे कि स्टेशनरी मैंने मंगाई, पेन मंगाया, पेन से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट क्या मैं इस साल उठा नहीं लूंगा, मेरे लिए खर्चा है, ठीक है। मैं आप और एग्जांपल लूँ, मैं फोन से शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो फोन मेरे लिए फिलहाल एसेट होगा क्योंकि मैं 1 से ज्यादा साल यूज करूंगा, ठीक है, वैसे उसकी लाइफ होती है 1 से ज्यादा साल, लेकिन नॉर्मल एग्जाम्पल लिया जाए, हाँ वो मेरे लिए एसेट कराएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल मतलब लेमन लैंग्वेज में समझ आ रहा होगा एसेट्स और एक्सपेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आज के बाद आप भूलोगे नहीं कि एक्सपेंस क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, बच्चे बाय फर रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने स्टाफ एम्प्लॉय करा, स्टाफ को सैलरी दी, स्टाफ से क्या मैं सर्विस इस साल नहीं ले लूंगा, हाँ ले लूंगा इस साल की सर्विस, इस महीने की सर्विस इसी महीने ले लेंगे, तो वो मेरे लिए खर्चा है सैलरी। डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन बोलते हैं एक्सपेंस 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 है, क्यों, क्योंकि वो उत्ते पार्ट जो है हम इसी साल उस उत्ते पार्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, ये एक सिंपल लॉजिक लगाओ, तो क्या हम उस चीज का बेनिफिट इस साल नहीं ले रहे हैं, तो उस चीज का बेनिफिट अगर इस साल आ रहा है तो वो एक्सपेंस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लॉसेस क्या होते हैं, चलो इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो सपोज करो मैं आइसक्रीम पार्लर में आया, और वो आइसक्रीम पार्लर में आया और मुझसे बोलता है भाई एक आइसक्रीम दे दे, मैंने उसको आइसक्रीम दे दी, और मैंने उसको ऐसी आइसक्रीम दी कि उसने ले जाके 1 साल के लिए फ्रिज में रख दी, अब 1 साल के लिए फ्रिज में रख दी, 1 साल बाद खाएगा वो, तो उसका जो बेनिफिट आइसक्रीम का 1 साल बाद लेगा तो वो उसके लिए एसेट है, अगर उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर मतलब इसी साल ले लेगा वो, तो उसके लिए खर्चा हो गया, मतलब उसी टाइम खा लेता, ठीक है, मेरे सामने खा लेता या घर जाके खा लेता, तो वो एक्सपेंस हो गया। लॉसेस क्या है, वो आइसक्रीम वो खाने ही लगा था, उत्ते में किसी ने उसको हाथ मार दिया या उसके पीछे डॉग पड़ गया तो आइसक्रीम गिर गई, बेकार हो गई, तो उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाया, बेनिफिट जो है
हम ले ही नहीं पाए, उस चीज का बेनिफिट ही नहीं मिला। तो जिस चीज का बेनिफिट नहीं मिला वो हमारा लॉस है, सिंपल सी बात है। जिस चीज का बेनिफिट नहीं मिला वो मेरे लॉस है, ठीक है। तो आपको होप सो समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। एक्सपेंस, एसेट्स और लॉसेस के बीच में डिफरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस मिल गया होगा। बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिलता है, तो एक्सपेंस एक साल से ऊपर तो आपका एसेट कहलाएगा, और बेनिफिट नहीं मिलता तो लॉस हो गया। एसेट्स से रिलेटेड मैं और बातें करता हूँ। एसेट्स क्या है, मेरे लिए सिंपल सी और बातें करूँ जो कि मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दें, एक तो सबसे पहले पॉइंट, ठीक है, और मेजर कर पाए हम उसकी वैल्यू, मेजर कर पाए तो कैश में, मतलब कि कैश में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, आफ्टर सेल, ठीक है, मतलब कि कैश में कन्वर्ट कर पाए। और एक और बात आती है, ओनरशिप और राइट भी होनी चाहिए हमारी, कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए। ओनरशिप, राइट, कंट्रोल उस बंदे का होना चाहिए, उस चीज पे हमारा ओनरशिप होनी चाहिए, राइट भी होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एसेट कहलाएगा। फिर राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव मतलब कि अगर हमने वो एसेट सेल आउट करा है तो उस पे हमारे पास राइट है कि हम उससे, उस पे, उससे जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू रिसीव है हमारे पास कि मतलब कि अगर हम उसको बेचते हैं इन फ्यूचर तो हमारे पास राइट है कि हम उससे रिलेटेड पैसा मतलब रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डेटर है, अब डेटर से हमारा फ्यूचर में पैसा मिलता है। हम बोलते हैं सेल्स करी, मोहन आया मेरे पास, भाई चल उधार में ले जा तू सामान। चल वो मोहन उधार में सामान तो ले गया, लेकिन वो फ्यूचर में पे करेगा, एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैश के टर्म्स में देगा। हाँ मॉनिटरी टर्म्स कैश है, ठीक है, ठीक है, कैश आफ्टर सेल्स, ठीक है। ओनरशिप राइट थी हमारी उस गुड्स पे, हमने उसको गुड्स बेच दिया। अब क्या हमारे पास राइट है उससे रिसीव करने का पैसा? हाँ राइट है, उस डेटर से हमारे पास राइट है रिसीव करने का, इसलिए वो हमारे लिए एसेट है, डेटर इसलिए एसेट कहलाया जाता है, ठीक है। अब आगे आती है लाइबिलिटीज की बात। तो लाइबिलिटीज क्या है, सिंपल, राइट टू पे मतलब कि ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी बनती है आगे वाले बंदे को पेमेंट करना। उससे आपने कुछ कंसिडरेशन में कुछ लिया है तो आपकी ड्यूटी बनती है आपको आगे वाले बंदे को पेमेंट करनी है, तो ऑब्लिगेशन है आपकी, ठीक है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है आपको पेमेंट करनी है। तो होप सो आपको समझ आएगा। तो एक मैं एक बार सिंपलीफाई कर देता हूँ। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ऐसे भी हम अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है। आपने सुना होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अगर नहीं सुना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं मुझे। अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे सिंपल होता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अकाउंटिंग करनी है, सिंपल। बिजनेस की, बिजनेस अलग है और जो बंदा है क्या वो अलग है, ठीक है। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ, बिजनेस मैन अलग है, बिजनेस अलग है, ये बोला गया सिंपल, अगर मैं नहीं बोलूँ। फिर आगे आती है बिजनेस में, मैंने आपसे बात करी, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, और एक और बात करूँ लाइबिलिटीज के साथ साथ कैपिटल होती है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताएं, कैपिटल क्या होती है। वैसे मैं बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट जो भी करता है ओनर प्रोप्राइटर, जो भी इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग में बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। फिर प्रॉफिट, गेन या रिवेन्यू, ठीक है। और हमने बात करी लॉसेस के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंट्स में बात करूं तो लायबिलिटी और जो हमारे लिए प्रॉफिट्स होते हैं उसमें हमारे पास होता है राइट टू पे, जबकि बिजनेस को हमने पे करना है, बिजनेस को मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को पे करनी है लायबिलिटी। ऐसी जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट हुआ, वो बिजनेस को अल्टीमेटली ओनर को देनी होती है, जो भी प्रोप्राइटर जिसने पैसा इन्वेस्ट करे। और कंपनी की बात करूँ तो शेयर होल्डर्स को मिलता है प्रॉफिट, तो राइट टू पे है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू पे होता है, तो यहाँ पे रूल जो है सेम चलेगा, जो कि मैंने आपके साथ कल रूल्स डिस्कस करे थे, डेबिट क्रेडिट रूल्स। तो यहाँ पे इसलिए रूल सेम चलते हैं, यहाँ पे रूल सेम इसलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट टू रिसीव है। यहाँ पे बिजनेस अगर एसेट बेच रहा है या एसेट दे रहा है किसी को, तो उसके पास राइट टू रिसीव है। लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, वही आगे वाले बंदे जो ओनर है वही तो खर्चा देगा, उसको खर्चा पानी देगा, तभी तो वो खर्चा आगे चलाएगा। तो बिजनेस को राइट टू रिसीव है यहाँ पे, यहाँ पे राइट टू पे होता है। एक बार मैं आपके साथ, तो मैं आपके साथ रूल डिस्कस करता हूँ। अगर एसेट है मेरा,
तो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। ऐसे ही मेरे पास अगर एक्सपेंस है तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होंगे। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी करा था लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पे डिस्कस करूँ, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, मेरे पास इनकम है, रेवेन्यू है, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे। याद रखना ये रूल, अगर आप सिंपली याद रखें अपने माइंड्स में, तो आप सिंपली अकाउंट्स बना सकते हैं। मैं आपके साथ अगर सिंपल एक अकाउंट डिस्कस भी करूं, अब आपको दिख रहा होगा अकाउंट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फर्नीचर अकाउंट सपोज करो, फर्नीचर की बात करूँ, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ये मेरे लिए सबसे पहले इसका नेचर पहचानो, ये क्या है मेरे लिए, एसेट, ठीक है, एसेट है, ठीक है, एसेट है मेरे लिए, तो एसेट है। तो उस केस में अब मैं बात करूँ, फर्नीचर मैंने परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा, इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड लिख देंगे, फर्नीचर परचेज के लिए, ठीक है। मतलब कि एक तरह से फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर कैश में परचेज करें तो कैश अकाउंट को छेड़ेंगे, अगर कैश में परचेज नहीं करा तो क्रेडिटर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग की बात है। अगर मैं फर्नीचर वही बेच देता हूँ, फर्नीचर सेल कर रहा हूँ, तो क्रेडिट साइड में लिख दूँ, क्योंकि फर्नीचर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा। सेल्स फर्नीचर के नाम से, मैंने फर्नीचर कम हो रहा है आपका, ठीक है, सेल्स दिखा देंगे, सेल्स ऑफ फर्नीचर तो भी अमाउंट अब डाल देंगे। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स अकाउंट बना सकते हैं, ऐसे एक्सपेंस अकाउंट बन सकता है, कैपिटल अकाउंट बन सकता है, अगर और डेबिट का एक रूल लग सकता है। अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे एसेट है इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस करा। हो सो आपको पसंद आया हो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।